हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स जो होते हैं वो तीन बेसिस पर क्लासिफाई किए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, मतलब वो किस टाइप के डेटा पर वर्क करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, कैसा पर्पस वो सर्व करते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज और द स्टोरेज कैपेसिटी। पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, कंप्यूटर्स जो होते हैं वो तीन मेन टाइप्स के होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो वर्क करते हैं डिजिटल डेटा पे, यानी कि ये प्रोसेस करते हैं रिजल्ट इन अ डिजिटल फॉर्मेट में, बाइनरी, दैट इज़ द बाइनरी फॉर्म, 0 और 1 की फॉर्म में ये आपका डेटा रिप्रेजेंट। जैसे कि आपको दिखाते हैं, ये आपका कंप्यूटर है, इसमें जो आप डेटा देते हो एज एन इनपुट वो डिजिटल फॉर्मेट में होता है, 0 और 1 की फॉर्मेट में, और जो आउटपुट रिजल्ट मिलता है वो भी डिजिटल फॉर्मेट में होता है, दैट इज़ 0 और 1 की फॉर्म में। तो डिजिटल कंप्यूटर्स वो टाइप के कंप्यूटर होते हैं जो डेटा और इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल फॉर्मेट या बाइनरी फॉर्मेट में, दैट इज़ 0 और 1 की फॉर्म में। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स की रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो 0 होता है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी ऑफ स्टेट, और जो 1 होता है वो रिप्रेजेंट करती है ऑन स्टेट। तो डिजिटल डेटा जो होते हैं वो बाइनरी नंबर्स होते हैं, 0 और 1, क्योंकि ऐसे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो नंबर्स का यूज़ करते हैं, दे वर्क ऑन द नंबर्स, इसीलिए ऐसे कंप्यूटर्स को काउंटिंग डिवाइसेस भी कहा जाता है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स टू डिजिटल कंप्यूटर्स के आ जाते हैं वो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, जो आपके जो डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर्स भी डिजिटल डेटा को ही यूज़ करके काम करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स वो टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं जो एनालॉग सिग्नल्स पर वर्क करते हैं, यानी कि वो सिग्नल्स या डेटा जो कि कंटिन्यूस होता है, जिनकी वैल्यूज़ कंटिन्यूसली चेंज करती रहती है। ये ज़्यादातर उन वेरिएबल्स या क्वांटिटीज़ को मेजर करता है, जैसे कि फिज़िकल क्वांटिटीज़, जैसे कि स्पीड, टेम्परेचर, जिनकी वैल्यू स्टैटिक नहीं रहती, वो हमेशा वेरी करती रहती है। यहाँ पर जैसे कि जो इनपुट वैल्यूज़ होती है वो एनालॉग फॉर्म में होती है, दैट इज़ वेव लाइक फॉर्म्स में होती है, और जो आउटपुट रिजल्ट्स प्रोवाइडेड होते हैं वो भी एनालॉग फॉर्म, वेव लाइक फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एनालॉग सिग्नल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो वेव लाइक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, या फिर इसको आप साइन कॉस वेव भी कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर आ जाते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर वो डिवाइस होता है जो कि मेजर करता है आपके व्हीकल्स की स्पीड। अब स्पीडोमीटर में जो निडल होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती, जैसे ये निडल जो होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती, कभी इस पोजीशन आ गई तो कभी वो एक पोजीशन पे फिक्स नहीं रहती, इसीलिए वो एक एनालॉग डेटा बन जाती है जो कंटिन्यूसली वेरी करता है, और इसीलिए ये टाइप के डिवाइस जो आ जाते हैं वो हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर आ जाते हैं। अब थर्मामीटर आ गया, जो राइज इन मरकरी लेवल होता है वो बताता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। अब वो मरकरी का लेवल कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, तो ये टाइप के जो कंप्यूटर्स आते हैं वो सब आ जाते हैं एनालॉग कंप्यूटर, जो कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स के, मतलब इसमें एनालॉग के भी फीचर्स होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर के भी फीचर होते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो होते हैं, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग प्लस
डिजिटल कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर में जो हमारा इनपुट होता है वो डिजिटल फॉर्म सॉरी जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं उनमें जो इनपुट डेटा होता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है और जो आउटपुट डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में होता है। जो इनपुट होता है वो हमारे वेव लाइक फॉर्मेट जैसे कि एनालॉग डेटा होता है और जो आउटपुट रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे डिजिटल फॉर्मेट्स में मिलते हैं। इसीलिए इनको एडीसी कन्वर्टर भी कहा जाता है, दैट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जो कि कई दुकानों में यूज़ की होती है। वहाँ पर जैसे ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जहाँ पर आपने वेट प्लेस किया और वही आपको आउटपुट जो होगा वो डिजिटल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पर नंबर्स दिए जाएंगे कि इस क्वांटिटी का क्या वेट है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी थी वो हमारा एनालॉग डेटा रिप्रेजेंट करेगी, जो आउटपुट रिजल्ट हमें मिला वो हमारा डिजिटल फॉर्मेट में होगा। और एग्जांपल्स देख लेते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के, जैसे कि हमारी एटीएम मशीन्स और जो हमारी ईसीजी मशीन्स जो हम यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में यूज्ड होती है हार्ट बीट कैलकुलेट करने के लिए, वो भी आती है हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स के अंडर। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के बेसिस पे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किए जाते हैं। एक होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, दूसरे होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स वो टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं जो कि यूज्ड होते हैं टू सॉल्व द सिंगल टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये टाइप के जो भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक ही टास्क परफॉर्म करते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारा ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग होती है, वो एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है जो सिर्फ एक ही टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, कोई मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म नहीं करता वो। और एग्जांपल आ जाते हैं इसके, कंप्यूटर दैट इज़ यूज फॉर केमिकल प्रोसेसेस में जितने भी कंप्यूटर्स यूज होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं वो आ जाते हैं। कंप्यूटर इन डिजिटल वॉचेस, जो हमारी डिजिटल वॉचेस होते हैं वो सिर्फ टाइम ही बताती हैं, तो एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म कर रही है, इसीलिए वो भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के अंडर क्लासिफाइड होते हैं। दूसरे टाइप के जो इसके अंडर आते हैं वो है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं वो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये टाइप के कंप्यूटर्स मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल आ जाता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर, दैट इज़ द डेस्कटॉप कंप्यूटर। वो हर टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसीलिए वो क्लासिफाइड होता है अंडर जनरल पर्पस कंप्यूटर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी के बेसिस पे कंप्यूटर्स फर्दर क्लासिफाइड होते हैं तीन कैटेगरीज में, दैट इज़ द माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना बड़ा साइज होगा कंप्यूटर का उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग होगी और उतनी ही ज़्यादा वो एक्सपेंसिव होंगे। जैसे कि मैक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, उनके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर्स और फिर आते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर्स। तो जो स्पीड होगी वो भी इंक्रीज होगी, जितना बड़ा कंप्यूटर होगा मैक्सिमम उसकी स्पीड होगी, उतना ही वो एक्सपेंसिव होगा और सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी उस कंप्यूटर की होगी। सबसे पहले आता है मैक्रो कंप्यूटर। मैक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो लार्जेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं, इनकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होती है और ये सबसे एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं। इनकी जो कैपेसिटी टू होल्ड द डेटा वो मैक्सिमम होती है, लार्जेस्ट ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स होती है। ये मोर देन 100,000 यूज़र्स को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स,
जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो बिग ऑर्गेनाइजेशंस में यूज्ड होते हैं। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस वर्ल्ड अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के एग्जांपल में जैसे फेसबुक होता है, मल्टीपल यूज़र्स जो होते हैं वो फेसबुक को यूज़ करते हैं। हर एक यूज़र का जो डेटा होता है वो एक सिंगल सर्वर में स्टोर किया जाता है, और जो सर्वर यूज्ड होता है उस डेटा को स्टोर करने के लिए वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। दूसरा एग्जांपल्स जो माइक्रो कंप्यूटर का आ जाता है वो है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी लार्जेस्ट होते हैं, इनका साइज मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी बड़ा होता है, और जो इनकी स्पीड होती है वो यूजुअली मेजर्ड होती है इन टर्म्स ऑफ फ्लॉप्स, FLOPS, दैट इज द फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। इनकी स्पीड फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो हाई कैलकुलेटिंग टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग में यूज्ड होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में यूज्ड होते हैं, मिलिट्री एजेंसीज में यूज किए जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ जाता है कि वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम, वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज CRA, दैट इज क्रे। इट वॉज डेवलप्ड बाय सेमोर क्रे ने इसको डेवलप किया था, सेमोर क्रे, ईयर 1976 में। ये वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर था। और कई बार आपसे इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर भी पूछ सकते हैं, जो जिसका नाम था परम, PARAM। अगर इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर पूछा जाए तो परम, और वर्ल्ड का CRE-1। एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट और भी लिख लो कि पहला कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप हुआ था उसका नाम सिद्धार्थ था, SIDDHART। सिद्धार्थ वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर, नॉट सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर दैट वॉज डेवलप्ड इन इंडिया। और अगर वर्ल्ड का आएगा पहला कंप्यूटर, दैट वॉज Z1। इट वॉज इन्वेंटेड बाय कोनार्ड ज्यूस ने इसको डेवलप किया था। इट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर। इसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स का जो साइज, स्पीड और कैपेसिटी होती है वो मैक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में लाया करते हैं। ये कंप्यूटर्स आजकल यूज़ किए जाते हैं स्मॉल बिजनेस फर्म्स में, जहाँ पर ये एक्ट करते हैं सर्वर, सेंट्रल सर्वर। सर्वर वो कंप्यूटर्स होते हैं जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्ड करते हैं। इन कंप्यूटर्स के एग्जांपल आ गए आपके IBM 17 और AS 400, जो कि मिनी कंप्यूटर्स हैं। लास्ट में आते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर्स। ये सबसे छोटे होते हैं, दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स। इनको पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि इनको एक पर्सन एट अ टाइम यूज़ करता है। ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं देन मैक्रो एंड मिनी कंप्यूटर्स, और इसमें एक ही पर्सन एट अ टाइम काम कर सकता है, और लेस हीट जनरेट करते हैं। मैक्रो कंप्यूटर्स के एग्जांपल में आ गए आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, आपके लैपटॉप्स जिनको नोटबुक्स भी बोला जाता है, और वर्क स्टेशंस जो कि यूज़ किया जाता है बाय आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, आईपैड्स, मोबाइल फ़ोन्स, जो आपके स्मार्टफोन्स हैं वो भी माइक्रो कंप्यूटर्स के अंडर आते हैं, और आपके PDA
PDA, that is the personal digital assistant. पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस जिसको पाम टॉप्स भी कहा जाता है, ये भी आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंडर आते हैं।